हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत करते हैं मेरा यूट्यूब चैनल पे। गाइस, बात करने वाला है एयरटेल मित्रा नए अपडेट लेके। कुछ दिन पहले एयरटेल मित्रा में नया वर्सन अपडेट हुआ है, वर्सन 5.00 में। हमको लगता है आप सभी रिटेलर भाई लोग इस वर्सन अपडेट आप लोगों को मिला होगा। इस वर्सन में आप लोगों को नया ऑप्शन देखने को मिलेगा। कौन सा नया ऑप्शन है, ये ऑप्शन आप लोगों को अभी तक मिला कि नहीं, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए जान लेते हैं क्या मित्र एप्लीकेशन में नया अपडेट है। सबसे पहले मित्रा एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद उसको ऊपर साइड में स्क्रॉल डाउन करना होगा। स्क्रॉल डाउन करने से आप लोगों को लाफू परचेस जो ऑप्शन है उससे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा, है कस्टमर रीवेरिफिकेशन। एयरटेल में भी कस्टमर रीवेरिफिकेशन ऑप्शन लेके आया है ताकि एयरटेल में ग्राहक कम ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारा ऐसी कस्टमर है मोबाइल में जो सिम यूज कर रहा है, सिम खुद का नहीं है, किसी फैमिली मेंबर का है। कस्टमर वो नंबर को बहुत दिन यूज करने से वो नंबर उसका जरूरी है, लेकिन वो नंबर को अपना नाम पे करने के लिए दूसरा ऑपरेटर मैप NMP करा लेते हैं। इससे ग्राहक कम हो जा रहा था, इसलिए एयरटेल कंपनी ये अपडेट लेके आया है कस्टमर रीवेरिफिकेशन करके अपना नाम पे कर पाए। इससे ग्राहक का भी फायदा होगा और कंपनी का भी लाभ होगा। किन रिटेलर भाई लोगों को इस ऑप्शन में काम करने के लिए कितना रुपया कमीशन मिलेगा, अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है। अपडेट आ जाने से आप लोगों को बता देगा। इसके बाद कस्टमर रीवेरिफिकेशन ऑप्शन में क्लिक करने से कस्टमर का मोबाइल नंबर डालने बोल रहा है, और मोबाइल नंबर डाल के आप लोग कंटिन्यू प्रोसेस में जाके आप लोग काम कर पाएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कॉमेंट करके बताओ आज के ये पूरा का पूरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले मिलने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।